एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऊपर हमें वीडियो करचे पूरा प्रोसेस मोबाइल ले करा जायची मोबाइल ले बसी कर परबे। देखो प्रत्येक पिला मैट्रिक पास हो किंबा प्लस टू पास हो किंबा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो तांको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रे रजिस्ट्रेशन करे नेबा उचित। गवर्नमेंट जॉब अप्लाई हो प्राइवेट जॉब अप्लाई हो सबु बेले आपनकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रे रजिस्ट्रेशन डा काम रे आसी परबो ठीक अछि। आ किछटा एम्ति जॉब पोस्ट अछि जोडी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बिना आपन अप्लाई भी करि परबे नै जेमति कि हमर ओडिसा पुलिस कांस्टेबल आपन माने जानिथिबे। तो चालू तो देखि फर्स्ट आपण को गूगल ले सर्च करा पड़ो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज किंबा यूट्यूब रे देखो मो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे छि से लिंक रे क्लिक करले आपण को आसी के वेबसाइट रे पहुंचे जेबे। और मोबाइल ले ही मु करू छि आपण को भी मोबाइल ले देखे दो छि केमती हो छि कि आपण निजे मोबाइल ले बसी घरे करि परबे और डाउनलोड मध्य करि परबे घरे ठीक अछि। तो देखो ये आपको जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन लिखा है तले जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन देखुंता तले रिन्यू कैंडिडेट जो मान ओल्ड एज रिन्यू करने जो मैंने डिलीट करने चाहते डिलीट जेएस डिलीट करेंगे ठीक अच्छे। डिलीट करने रिन्यू करने सब जाक ये अच्छे। तो आम आज जाना नुआ रजिस्ट्रेशन केमती करवा देखो तरह ये इंस्ट्रक्शन प्रोसीडर सब जाक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड सब जिन लिखाई आप चाहिए जब पढ़ी पारे ना डायरेक्ट देखेदेले भी जाने केमती होती न्यू रजिस्ट्रेशन में जब देख फास्ट आपको डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करा पड़ो आपने ये गोटे स्क्रीन में आसीज जो आपको हाएस्ट ग्राजुएसन कि पोस्ट ग्राजुएसन कि प्लस टू आपर हाएस्ट क्वाफिकेसन कौन सपोज मोर है मेट्रिक पास अच्छे कि प्लस टू पास अच्छे मुझे प्लस टू पास देवी। ग्राजुएट दुई प्रकार अच्छे गोटे ग्राजुएट आ गए टेक्निकल ग्राजुएट जमीक आम बीटेक् एका से गोटे टेक्निकल ग्राजुएट ठीक अच्छे आ गए अनर्स ग्राजुएट। तो आप जो सिलेक्ट करेंगे पीजी आईटीआई जहाँ भी आपर कोर्स थी से कोर्स अनुसार सिलेक्ट कले ठीक अच्छे। आपर कास्ट सिलेक्ट करा पड़ो कास्ट देख तो गोटे जनरल कास्ट आ गोटे ओबीसी कास्ट आ गोटे ओबीसी एंड एससीबीसी आ गोटे एससी एसटी आ गोटे खाली एससीबीसी ठीक अच्छे। जो मैंने ओबीसी से मैंने ओबीसी एंड एससीबीसी रे पकेबे कारण ओबीसी तांकर चालूची ओडिसा रे एससीबीसी चालूची किंतु ओडिसा बाहर तांको ओबीसी रे ही दबाक पड़ो। आ जो मैंने एससीबीसी केवल एससीबीसी रे लगेबो ठीक अच्छे। धर मोर एससीबीसी रे लगेले ठीक अच्छे। नेक्स्ट आपण जदि हैंडिकैप थिबे 40% रु अधिक ताले एटी एस लगेबे आ परसेंटेज लिखिबे नहले न लगेकी ताको छाड़िबे ठीक अच्छे। डिस्ट्रिक्ट आपण सिलेक्ट करिबे को डिस्ट्रिक्ट रे देखंतु जो मैंने भुवनेश्वर रे रही भुवनेश्वर करेनि से खोर्धारे करेंगे किंतु किसीटा केस को छाड़िके जमीक आम यूआई जीबी ओ यूएटी जो मैंने पढ़ते हैं भुवनेश्वर करेंगे जो मैंने बाणीबिहार यूआई एंड जीबी बाणीबिहार करते हैं भुवनेश्वर लगे स्पेशियाल एक्सचेंज एस टी एस सी स्पेशियाल जो मर दरकार से करेंगे और हैंडिकैप मैंने भी भुवनेश्वर करेंगे ठीक अच्छे। और जो मैंने टेक्निकल पिला जमीक आम ग्राजुएट कर बीटेक एग्रा से माने भी सब भुवनेश्वर को सिलेक्ट करेंगे ठीक अच्छे। नहले बाकी आपण बालेश्वर सिलेक्ट कले सिलेक्ट कलापर धर आपर एड्रेस जोड़ी बालेश्वर भद्रक मयूरभंज जहाँ भी आपड़ सिलेक्ट करेंगे निजर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस देखते ये दुईटा ऑफिस आपको आसला मोर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस बालेश्वर आसला ठीक अच्छे। केवल गोटे ऑप्शन आसला मुझे जदि मोर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट टेक्निकल करते देखते ये दुईटा ऑप्शन आसो गोटे आसला डिस्ट्रिक्ट बालेश्वर आ गोटे स्टेट एक्सचेंज बालेश्वर। तो यहाँ है जोटा हो टेक्निकल मानी जोटा प्रोफेशनल आ गोटे है नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट हम ठीक अच्छे। तो स्टेट एम्प्लॉय करने जो चाहते टेक्निकल ग्रेजुएशन तेल यहाँ क्लिक करेंगे ना फर्स्ट ऑप्शन आपड़ पढ़ाए से आपको क्वालिफिकेशन हिसाब से आसो 12th पास मेट्रिक एगुटा सब आप डिस्ट्रिक्ट हम आ टेक्निकल ग्रेजुएट जो गुड़ा से गुड़ा सब स्टेट हम ये जिनसटा को आपको मन रखा पड़ो। नेक्स्ट स्टेप आपको आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कले आपड़ मोर मोर 12th पाई अच्छे 12 क्लास तो मुझे देली आपको गोटे कैप्चा माग सेम कैप्चा को आपको फिल करा पड़ो ठीक अच्छे। एस टी के एफ जहाँ भी अच्छी आप सबमिट मारे सबमिट मारापर देखो आपने गोटे ये फर्म आसीज ठीक अच्छे। फर्म में देखो जितक रेड कलर स्टार अच्छे जी गोटे फर्म पकबार सब फर्म एका भाया भाई थे जाणी कास्ट इनकम सर्टिफिकेट करवा हूँ कि कौन सी जॉब फर्म पकवा हूँ सबुरे एका जिनस आसाए जो सेक्शन पाखे एमती रेड कलर स्टार थी जेकोसी फर्म से कंपलसरी छाड़ पारे जो गुड़ा पाखे स्टार नाक आप छाड़ पारे से न लिखिक भी जापरेंगे ठीक अच्छे। तापर देखते ये फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम आसला तो आपको नाम जहाँ थी मो नाम सपोज संजय कुमार दास तो मोर फर्स्ट नेम है कौन संजय सेकेंड नेम है कुमार जार सेकेंड नेम नी ताको छाड़देव ब्लांक छाड़देव थर्ड नेम है दास देखो सेकेंड नेमटा कंपलसरी नुह फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंपलसरी कारण जन जन मिडिल नेम न थाए ठीक अच्छे। ये भाला ये दिहो नेक्स्ट आपको जेंडर सिलेक्ट करा पड़ो मेल कि फिमेल मेरीटियाल स्टाटस मेरीड कि अनमेरीड कि डिवोर्स कि सेपरेट सब जाक ऑप्शन अच्छे विधवा विडोज ठीक अच्छे।
तो आपण सिटी सिलेक्ट करेंगे कास्ट आप फास्ट रू सिलेक्ट करेंगे सेटा आसी सारे नेक्स्ट रूराल कि आप रूराल जाऊँ कि उर्बान रूराल हूँ आम ग्रामांचल उर्बान हूँ सहरांचल आप जो बिलंगस करते हैं लिखे एपट सैड्र आपंकर बापा नाम लिखे आपणकर माँ का नाम लिखे आपणकर इमेल आई डी जोटा भैलीड इमेल आई डी थी आपड़ ये एंटर करेंगे पूरा करेक्टली मुझे आपको देखापी करेंगे मुझे मोर देखा ना ठीक अच्छे नेक्स्ट आपंकर डेट ऑफ बर्थ जहाँ भी थी ठीक अच्छे सपोज मोर अच्छे तो मोर देखली मोर डेट ऑफ बर्थ अच्छे नेक्स्ट आपंकर स्पाउस नेम जो मैंने मैरिड कर सारे स्त्री नेम लगे पारे रिलीजन आपंकर हिंदू मुसलिम जहाँ भी होता सिलेक्ट करेंगे यू सब रिलीजन अच्छे मोबाइल नंबर आप जो चालू नंबर से देते ठीक अच्छे से आपंकर ओटीपी मोटी किसी जबार नहीं कि डाउनलोड करा बेलू सर्टिफिकेट लगे ठीक अच्छे यहाँ मो नंबर नुहे मुझे एमती गोटे देदेली 3 3 6 4 10 ठीक अच्छे एति कंपलसरी फोन नंबर कंपलसरी नुह मुझे छाड़ दूसरी कहीं देवी बेकार टाइम वेस्ट करी एड्रेस रे फास्ट आपंकर डिस्ट्रिक्ट आमर एट पोस्ट जहाँ भी लिखबार अच्छे मोर एट अच्छी मईचा पोस्ट अच्छे सिंधिया तो मुझे लिखिली सेमती आप लिखे तहसिल आपर कौ तहसिल जामर बालेश्वर तहसिल जाए नेक्स्ट आपंकर ये सिलेक्ट कराया पड़ो पुलिस स्टेशन आमर बालेश्वर सदर पुलिस स्टेशन तो मुझे खोजी नेबी आगे सदर पुलिस स्टेशन ये अच्छे पिनकोड कौन सेटा को एंटर करी 7 5 6 0 0 3 बोली नेक्स्ट रोचे आपन को पासपोर्ट एका कंपलसरी नुहे छाड़ दौर एपटी राइट साइड आसली मुझे टिक कर देली मोर टेम्पोरारी आउ परमानेंट दुईटा जाक समान एड्रेस जदि आप अलग अलग एड्रेस थी तो अलग अलग दे पारे टेम्पोरारी एड्रेस आउ परमानेंट एड्रेस हूँ आपंकर जोटा पूरा स्थायी एड्रेस यहाँ परमानेंट टेम्पोरारी सपोज मुझे जाकि कौटी बाहर भुवनेश्वर हॉस्टल रोचे तो मो टेम्पोरारी एड्रेस चेंज करपरि फोटो आपको लगे 20 KB नदे भी चलो फोटो भी कंपलसरी ना स्टार मार्क ना जेहेतु स्टार मार्क ना से आपको छाड़ पारे कि इच्छा सर्टिफिकेट आपर फोटो लगिकी आस न लगिक आसपा फोटो देते 20 KB कम ताक देवाक पड़ो है ठीक अच्छे नेक्स्ट आपको यांकोविंग गोटे जिनस फिलअप करा पड़ा आईदर कास्ट सर्टिफिकेट ना को SLC CLC फिलअप करा पड़ो खाली रेसीडेंट दे सबमिट नब ना ठीक अच्छे कास्ट सर्टिफिकेट आपको देखो कास्ट सर्टिफिकेट मोर जेहतु SCBC कास्ट सर्टिफिकेट सब कास्ट कौन सेटा मागिबो जमीती आम खंडायत कास्ट ठीक अच्छे तो ये या भितर खंडायत मत खोजिक बाहर करा पड़ो सब थी आपको टी खोज टाइम लगे कि सबूक जिन या भितर थी एमती नथिबो कि गोटे कास्ट आप पाँना बोली भाभीदे से ना सेमती किसी ना आप सब कास्ट यार भितर ही अच्छे आपको टी टाइम नहीं कि खोजा पड़ो बहुत गुड़ा कास्ट अच्छे ओडिशा एक्चुअली हो खंडायत कुधर कह भाई ये तो थी कथा कमला खंडा खंडायत कहीं भाई ओ पाईगली फाइनाली भाई देखो दुईटा खंडायत थी गोटे ओडरा खंडायत आ गोटे ये खाली खंडायत अच्छे यहाँ है पाइक आलिया खंडायत चसा ये सब गोटे अच्छे ठीक अच्छे मुझे सिलेक्ट करेंगे आप गोटे अच्छे ओडरा खंडायत से सिलेक्ट करें से अलग नेक्स्ट आप सर्टिफिकेट नंबर देखिए आपंकर कास्ट सर्टिफिकेट एमती लिखाई थी SEB लिखाई थी आप SCBC कास्ट सर्टिफिकेट पर SCO लिखाई थी SC कास्ट सर्टिफिकेट ST लिखाई थी ST सर्टिफिकेट OBC लिखाई थी सेम भाया थी तापर लिखाई थी 2023-22 जो इयर में आपड़ा सर्टिफिकेट करेंगे तापर किसी नंबर थी ये आपको देवाक पड़ो ठीक अच्छे नेक्स्ट आपंकर सर्टिफिकेट अथॉरिटी कौ तहसिलदार एडिशनल तहसिलदार समस्त तहसिलदार ही हूँ नेक्स्ट सर्टिफिकेट डेट के सेटा भी मेंशन कर सपोज मोर है 11/110 देखिए देख टेटा 11/10/2023 करदे ठीक अच्छे नेक्स्ट आपको तहसिलदार आप सिलेक्ट कर कौ तहसिल मोर बालेश्वर तहसिल तो सिलेक्ट कलापर एतिक सबूक डिटेल्स देलापर नेक्स्ट आपन करेंगे तो आपको किसी इनकरेक्ट सिक्यूरीटी कोड मोर कैप्चा कोड भूल से मत कैप्चा कोड आउ थे देखा पड़ो WEDW सब कैपिटाल अच्छे यहाँ टी देखिए कैप्चा कोडा आपको बहुत ध्यान सहित देवा पड़ो ना आपणकर कास्ट सर्टिफिकेटा उड़ीगला बहुत जिन समय उड़ीगला मत आउ थे पड़ी आई एम सॉरी
ସେଇ ଖଣ୍ଡାୟତଟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ହେ ଭଗବାନ କି କଷ୍ଟ ଦେଲ ମୋତେ ଏଡିକେଟ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଡେଟ୍ ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ, 11/8। ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋ ମନରୁ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରୁ ଦେଖିକି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ତଳେ ଏଇଟା ଦେଖିବ ଥିବ, ଏଇ ଡେଟ୍ଟା ମେନସମ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇସ୍ୟୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଫର୍ମାଟ୍ରେ କହିଲି ସେଇ ଭଳିଆ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ। ଏତିକି କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଇଡ଼ି ମିଳିଯିବ, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ। ସପୋଜ୍ ମୋର ହେଲା 14 ଫେବୃଆରୀ 1995, ତ ମୋର ପାସୱାର୍ଡ଼ ହେଲା 1402-1995। ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ ବି ଲାଗିବ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ଥିଲା, ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି ତାପରେ କ'ଣ କରାଯିବ ହେଲା। ମୁଁ ଏକାଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବି, ନହେଲେ ଆପଣ ଏତିକି କରିକି ବି ରଖିପାରିବେ, ପରେ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ିଟା ଆପଣଙ୍କର ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଧାରୁ ବି ଯଦି କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଯାଏ ତ ବି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇକି ରଖିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ 10th ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ +2, ତାପରେ +3, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ୱେରେ ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ୱେରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ 10th ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି କେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ରେ, 10th ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର BSc ଓଡ଼ିଶା ନଥିବ, କିଛି ଜଣ ଥିବେ ଆମର ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ର, ତାଙ୍କର CBSE ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବ, ତ ଯେଉଁମାନେ BSc ଓଡ଼ିଶା ସେମାନେ BSc ଓଡ଼ିଶା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, କଟକ ଲେଖା ହେଇଥିବ, BSc ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ କଟକ ଓଡ଼ିଶା, ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯିଏ ଯାହାର ନିଜର ବୋର୍ଡ଼ CBSE ଯାହା ବି ହେଉ ସେମାନେ ଠିକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ସବଜେକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଥିବ ଆଉ କ'ଣ ଥିବ ଯାହା ବି ଥିବ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସରି କେଉଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଆପଣ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ, ଯେଉଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବେ ତା'ର ଦେଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମେଟ୍ରିକ୍ରେ, 10th ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ନାମ ଯାହା ବି ଥିବ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଛାଡ଼ିପାରିବେ, ରେଡ଼ ଷ୍ଟାର ନାହିଁ, ପାସିଂ ଇୟର୍ ମନ୍ଥ ଏଇଟା ବି ଲେଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଛାଡ଼ିପାରିବେ, ଇୟର୍ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଦେଖିବେ, ତଳେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ତଳେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଡେଟ୍ଟା ଗୋଟେ, ସେଇ ଡେଟ୍ର ମାସଟା ଆଉ ବର୍ଷଟା ବସିବ। ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଡିଭିଜନ୍ରେ ଆପଣ ପାସ୍ ହେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଲାଗିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ହେଉ ଆମର ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ମାର୍କସିଟ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ତ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗୋଟିଏ ମାର୍କସିଟ୍ରେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ମାର୍କସିଟ୍ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନର, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଏଜ୍ରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଥିଲା, ଗୋଟେ ମାର୍କସିଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତ ସେମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଇଠି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ମାର୍କସିଟ୍ ଏଇଠି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ବାଛି ସମାନ ସେମାନେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏଟାରେ ବି ସେଇଟା ଏଟାରେ ବି ସେଇଟା ମାନେ ଗୋଟେକୁ ଦୁଇ ଧର ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଭଳିଆ କାମ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ରେ ଆସିବ ସବଜେକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା କମ୍ପଲସରି ଅଛି, ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ନା ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସବୁଯାକ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ମୋର MIL ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବି, ଆଉ କିଛି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଇଂଲିଶ ଥିବ ଯଦି ଇଂଲିଶ କରିବେ, ସବୁଯାକ କରିବେ ଯଦି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କରିବେ, ମୋର ଏମିତି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କଲି ତାକୁ ଏଡ଼୍ ମାରିଲି ସେ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଲଗେଇବ ଏଭଳି ଲଗେଇ ଏଡ଼୍ କଲେ ଚୁଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ ନେମ୍ ଟାଇପ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଭଳିଆ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା'ର PDF। କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଡ଼୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅପସନ୍ରେ, ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଯାଉନି, ତ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିକି ଦେଖିବା କମ୍ ସେ କମ୍। ମୋ କତିରେ କିଛି PDF ତ ସେମିତି ଫାଇଲ୍ ବି ନାହିଁ, 100 KB ଭିତରେ ମୁଁ ସ୍କାନ୍ କରିକି ରଖିନାହିଁ, ଅଛି ଛଡ଼ ଗୋଟେ ପୁରଉଛି ଦେଖି କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଇଟା JPG ଫର୍ମାଟ୍ର ଅଛି, ଏଇଟା ନବନି ପ୍ରାଇ, ଯଦି ନ ନେଲା ମୁଁ PDFରେ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ହଁ ନେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ର, ମୋର 10th ଗଲା, ତାପରେ +2କୁ ଆସିବି, +2ରେ ପୁଣି ସେମିତି ମୋର +2ରେ ବୋର୍ଡ଼ କ'ଣ, ଆମର CHSE କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୋର୍ଡ଼ ଆମର ଯେମିତି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପିଲାଙ୍କର ପୁରୀର, ତାଙ୍କର କେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋର୍ଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ଅଲଗା, ତ ଆପଣ ନିଜର ବୋର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସେମ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏମିତି ଏଡ଼୍ କରିଚାଲିବେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣ ଯେତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବେ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେତିକି କଲା ପରେ ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର, ଠିକ୍ ଅଛି।
ହଁ ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂକୁ ଯିବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ, ଏଇଠି ଲଗେଇବେ। ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଭଳିଆ କହିଥିଲି, ସପୋଜ୍ ମୋର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ 24/5/1995, ତ 2405/1995, ଯାହାର ଯେମିତି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଥିବ ସେଇଟା ପାସୱାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ, ଆଉ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଦେଇଯିବ, ସବମିଟ୍ ମାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ସେଇଠୁ କେଉଁଠିକି ଯିବାକୁ ନାହିଁ, କେଉଁଠିକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ନାହିଁ, ନିଜ ଘରେ ବସିକି କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଘରେ ବସିବେ, 5 ମିନିଟ୍ରେ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିଲେ, 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲାକୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ବି ସେଭିଂ ହେଇଗଲା, ଟାଇମ୍ ବି ସେଭିଂ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବି ଗ୍ରୋ କରାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ପୁରା। ତ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇକି ଆସିବେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।